हिमाचल प्रदेश भाजयुमो के महामंत्री रजत ठाकुर ने राज्य हथकरघा बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं धर्मपुर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी चंद्रशेखर पर तीखा हमला बोला है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रजत ठाकुर ने चंद्रशेखर पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाया। रजत ठाकुर ने कहा कि बीते विधानसभा के चुनावों में चंद्रशेखर ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी जब नामांकन भरा था तो उसमें उन्होंने अपनी 20,000 रुपए की एफडी और कैश शो किया था, लेकिन आज चंद्रशेखर के दोनों बच्चे प्रदेश के प्रतिष्ठित एवं महंगे सनावर स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां पर सालाना 10 से 15 लाख रुपए बतौर फीस जमा करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता चंद्रशेखर से जानना चाहती है कि इतना पैसा उनके पास कहां से आया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज धर्मपुर में कर्मचारियों को तबादले के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, पिछली बार जब वो चुनाव में उतरे थे तो उन्होंने हर व्यक्ति को अपनी 20,000 की एफडी बताई थी और ये कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि जैसे ही सरकार बनी तो उनपे सभी लोगों ने आरोप लगाए कि वो हमारे जो धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में तबादला उद्योग जो है काफी फल फूल रहा है, लोग पैसे देकर के जो है अपने ट्रांसफर करा रहे हैं, अपने एडजस्टमेंट्स करा रहे हैं और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। ये आरोप पब्लिक की तरफ से है। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि अगर उनके बच्चे जो हैं आज सनावर स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां की लाखों रुपए फीस है, मुझे लगता है कि 10 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक की फीस जो है सालाना वो दे रहे हैं, तो उसका सोर्स क्या है, ये पब्लिक जानना चाहती है, धर्मपुर की जनता जानना चाहती है। रजत ठाकुर ने कहा कि महेंद्र सिंह ठाकुर बीते कई वर्षों से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस बार भी महेंद्र ठाकुर फिर से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में काफी पिछड़ गया है और अब इसकी भरपाई प्रदेश की भाजपा सरकार करने वाली है। धर्मपुर चुनाव क्षेत्र में इस बार निश्चित तौर पे ठाकुर साहब सातवीं बार चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराएगा और इस बार मार्जिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार लोगों का रुझान है, लोग चाह रहे हैं, तो लगभग 10,000 से ज्यादा मार्जिन से भाजपा का उम्मीदवार जीतेगा।